पहाड़ी से गिरता हुआ झरना केदारनाथ के पैदल मार्ग का है। घंटों तक यात्री फंस गए, नदी नाले उफान पर बहने लगे। मॉनसून सीजन की पहली बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो गई। बाबा केदार के भक्त जगह जगह पर फंसे हुए हैं। केदारनाथ के पैदल रास्तों पर पहाड़ी से झरना गिरने लगा। झरने के पानी का बहाव इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ पैदल मार्गों पर झरने का बहाव आप इस वीडियो में देखिए। वहीं केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी से बोल्डर गिरने की वजह से एक वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी गधेरे उफान पर आ गए, जिस वजह से यात्री फंस चुके हैं। इस बारिश ने अचानक से केदारनाथ यात्रा पर भक्तों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी है। केदारनाथ धाम में भी रविवार सुबह से ही लगातार बारिश जारी है। पैदल रास्तों से लेकर सड़क मार्गों तक यात्री बुरी तरह फंसे हुए हैं। घंटों तक फंसे हजारों यात्रियों के लिए सुरक्षा जवान फरिश्ते बने हुए हैं। सुरक्षा जवानों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मानसून की पहली बारिश ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। केदारनाथ यात्रा रविवार के दिन पूरी तरह रोक दी गई है। जो यात्री सुबह बाबा केदार के दर्शन करने निकले थे, वो यात्री रास्ते पर ही फंस चुके हैं। वहीं केदारनाथ के निचले इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। छोड़ी स्थान पर बहने वाले झरने का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिस वजह से घंटों तक यात्रियों को अपने कदम रोकने पड़े, जिसके बाद जवानों ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। 8,000 से ज्यादा यात्री सोनप्रयाग, गौरीकुंड और कई स्थानों पर रोके गए हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश जारी है, जिस वजह से केदारनाथ धाम का तापमान तेजी से लुढ़क चुका है। दोपहर के समय सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच एक शटल सेवा वाहन पर पहाड़ी से पत्थर गिर गए और वाहन में सवार चालक की मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब यात्रियों को इंतजार है कि कब ये मूसलाधार बारिश थमे और मौसम खिले, ताकि फिर से केदारनाथ यात्रा सुचारू हो सके। फिलहाल जगह जगह पर बाबा केदार के भक्त फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पैदल मार्गों पर भी सुरक्षा के लिहाज से कई जवान तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा कि ये मानसूनी बारिश कब थमेगी। केदारनाथ से प्रवीण सिंह मौल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।